Assalamualaikum guys, welcome back to my channel. Hope you all are doing good. Allah आप सबको खुश रखे, आमीन सुमा आमीन. सो गाइज, आज हम बनाएंगे पंजाबी कड़ी पकौड़ा. ये देखिए, मैंने चने की दाल ली है, ग्राम फ्लोर 100 ग्राम, और इसमें हम ऐड करेंगे दही 200 ग्राम. इसमें हमने ऐड कर दिया है 200 ग्राम कर्ड एंड 100 ग्राम ग्राम फ्लोर. सो अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच नमक, 1 स्पून कोरिएंडर पाउडर, 1 स्पून टर्मरिक पाउडर, 1 स्पून रेड चिली पाउडर, 1 स्पून क्यूमिन पाउडर, 1 स्पून क्यूमिन पाउडर. अब हम इसमें डालेंगे बटर मिल्क, 1/2 लीटर ऑफ बटर मिल्क, अब इसको अच्छे से स्टर करेंगे और इसमें हम 1/2 लीटर पानी और ऐड करेंगे. देखिए, इसमें कोई लम्स ना रहे, ऐसे आपको मिक्स करना है. स्टर इट वेल फॉर 2 मिनट्स. इसको अच्छे से स्टर कर लिया है, अब हम ऐड करेंगे पानी. यस, सो गाइस, चलिए पकौड़े की तैयारी करते हैं. सबसे पहले हम लेंगे 1 कप ग्राम फ्लोर, बेसन, और इसमें हम ऐड करेंगे फाइनली चॉप्ड 3 मीडियम अनियंस, फाइनली चॉप्ड अनियंस, नाउ फाइनली चॉप्ड कोरिएंडर, धनिया, हरी मिर्च 1 फाइनली चॉप्ड, 1 स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1/4 टर्मरिक पाउडर, हल्दी, 1/4 स्पून कोरिएंडर पाउडर, 1/4 स्पून क्यूमिन पाउडर, 1/2 स्पून ऑफ रेड चिली पाउडर, 1/2 स्पून ऑफ सॉल्ट, थोड़ी सी ड्राइड फेनुग्रीक कसूरी मेथी, थोड़ा सा अमचूर पाउडर ताकि खटास रहे इसलिए, और अब पिंच ऑफ बेकिंग सोडा. थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसको अच्छे से थिक बैटर बनाएंगे ताकि पकौड़े अच्छे से बन सके, और पानी मिलाकर बैटर बनाकर हम इसको 10 मिनट के लिए साइड में रख देंगे. देखिए, द परफेक्ट कंसिस्टेंसी फॉर पकौड़ास, तो इसको हम 10 मिनट के लिए साइड में. सो गाइस, आइए कड़ी तैयार करते हैं. इसके लिए मैंने बर्तन ले लिया है और इसको 2 मिनट तक गर्म कर लिया है, और अब हम इसमें ऐड करेंगे 100 ग्राम ऑफ ऑयल. तो ये तेल गर्म हो चुका है गाइस, तो अब हम ऐड करेंगे क्यूमिन सीड्स, जीरा 1 चम्मच, मस्टर्ड 1 चम्मच, सौंफ 1 चम्मच, और अब डालेंगे धनिया, कोरिएंडर सीड्स 1/2 स्पून, 4 से 5 दाने मेथी, और अब डालेंगे लाल मिर्च 2 से 3 ले सकते हैं आप, एंड नाउ 10 to 12 करेले, इसको धीमी आंच में रखिएगा.
एंड नाउ एक चम्मच नमक, एक चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच करियांडर पाउडर, एक चम्मच रेड चिल्ली पाउडर, हाफ स्पून ऑफ जीरा पाउडर, वन स्पून ऑफ जिंजर गार्लिक पेस्ट। ये मसाला पक रहा है, थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे हम। ऐड सम फेनुग्रीक लीव्स और कुक इट फॉर 2 मिनट्स। और अब कड़ी ऐड करेंगे हम अपने तड़के में। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, एक ग्लास पानी हमने ऐड कर दिया है इसमें। अब इसको आधे घंटे तक पकने देंगे हम लो फ्लेम। ये देखिए थोड़ी सी इसकी कंसिस्टेंसी थिक होनी चाहिए, तब तक इसको पकाएंगे। सो गाइस, अब हम हमारे पकौड़े तैयार करेंगे जो हमने रखे हुए थे, और 10 मिनट हो चुके हैं। सो इनको 2 बार फ्राई करना होगा आपको, ताकि ये अच्छे से पक जाए। अब हम इनको बाहर निकाल कर फिर से पकाएंगे। ये हमने दोबारा फ्राई करने के लिए रख दिया है, ये देखिए, ताकि ये अच्छे से डार्क ब्राउन हो जाए। उसके बाद हम इसको निकाल कर कढ़ी में फिर से तड़का लगेगा, उसके बाद हम इसको ऐड कर देंगे। ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाए और क्रिस्पी हो जाए, ताकि ये कढ़ी में जाने के बाद सॉगी ना हो बहुत जल्द, इसलिए इसको अच्छे से तलना बहुत ज़रूरी है। देखिए गाइस, ये देखिए हमारी कढ़ी को आधा घंटा हो चुका है, और आप देख सकते हैं हमने पानी आधा लीटर डालना होगा, क्योंकि इसमें ग्राम फ्लोर होता है तो बहुत थिक हो जाएगा पककर। तो ठीक आधा लीटर पानी डालना पड़ेगा आपको, मैंने भी डाला था, सॉरी दिखाना भूल गई। तो ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी परफेक्ट है, वरना ये बहुत थिक हो जाएगा। तो डन, अब इसका तड़का तैयार करते हैं हम। सो गाइस, मैंने तड़के के लिए पैन ले लिया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी ऑयल 2 टेबलस्पून, तेल मैंने ऐड कर दिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे मस्टर्ड सीड्स एंड क्यूमिन सीड्स, जीरा और राई। अब ऐड करेंगे गार्लिक फाइनली चॉप्ड, अब ऐड करेंगे रेड चिली 2 ली हमने, अब ऐड करेंगे करी लीव्स, और अब मैं ऐड करूँगी स्लाइस ऑनियन, एक प्याज अच्छे से चॉप करके लिए मैंने स्लाइस करी। तो इस तड़के को 2 मिनट तक हम पकने देंगे, ताकि हमारी जो प्याज है वो थोड़ी सी ट्रांसपेरेंट हो जाए, लाइक लाइट ब्राउन। ये देखिए हमारी प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, आप देख सकते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे मसाले, देखिए हाफ स्पून ऑफ टर्मरिक,
क्यूमिन सीड्स पाउडर हाफ स्पून, जीरा भुना हुआ जीरा पाउडर हाफ स्पून, थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि मसाला जल ना जाए। फर्स्ट ऐड करेंगे रेड चिली पाउडर, अगेन फेनुग्रीक लीव्स, कसूरी मेथी भी यूज़ कर सकते हैं, कसूरी मेथी होता है। तड़के में हम थोड़ा सा पानी और डालेंगे, थोड़ा सा डालिएगा, ज़्यादा नहीं। ये देखिए हमारा तड़का तैयार है। कुक इट फॉर 2 मिनट्स, 2 मिनट तक इस तड़के को पकाएं और फिर कढ़ी में डाल। सो गाइस, हम डाल रहे हैं तड़का कढ़ी में, थोड़ा सा साइड में रख लीजिएगा 1 स्पून जितना, ताकि आप गार्निश कर सके उसके ऊपर। 1 मिनट हो चुका है और अब हम इसमें पकौड़े ऐड करेंगे। सो गाइस, हमारी पंजाबी पकौड़ा कढ़ी तैयार है, तो आइए इसकी प्लेटिंग करते हैं। गाइज, आप इसको चावल के साथ सर्व कर सकते हैं, चावल के साथ बहुत टेस्टी लगती है ये करी, तो चावल के साथ सर्व कीजिएगा। आप चाहे तो खुश्के के साथ भी सर्व कर सकते हैं, ये बहुत टेस्टी होती है। सो गाइज, ये मैंने प्लेटिंग कर ली है, ये है पंजाबी पकौड़ा करी। तो अब हमने जो 1 चम्मच जो तड़का बचाया था उसको हम इसमें गार्निश करेंगे। सो गाइस, दिस रेसिपी इज रियली इजी, यू कैन मेक इट एट होम, आप अच्छे से बना पाएंगे, टेस्टी भी है, तो बनाइएगा जरूर। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। Thank you so much. Allah Hafiz.